वेलकम एंड वेलकम टू माय शो नॉन स्टॉप. निम्मी निम्मी हूँ मैं और नॉन स्टॉप होती है यहाँ पर एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, मस्ती और बहुत कुछ. इससे पहले कि मैं आज की वीडियो शुरू करूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग फौरन से जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके फौरन से वापस आएं, तो फिर आप हमारी वीडियो देखेंगे. आज जो है मैं बात करने वाली हूँ राज़े उल्फत की, जो कि जियो पर लगा है रात 8 बजे. 27th एपिसोड की हम बात करेंगे. इसकी जो राइटर हैं वो हैं महा मलिक और जो हमारे पास कास्ट हैं वो हैं यमुना जैदी और कोमल अजीज़, और मेल्स में हमारे पास है शहजाद शेख और गौहर रशीद. अच्छा जी, तो ये जो एपिसोड हमने देखा अभी, इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि जो हमारी साहिबा हैं अब वो आ गई हैं अपने ही अमाल के साए तले, मतलब कि अब उनको पता चलेगा जो मैंने किया है वो मैंने किया क्या है. अब जी वो फंस गई हैं बुरी तरह से, क्योंकि उन्होंने जो इतना फजूल किस्म का, मतलब प्लान फजूल नहीं था पर बहुत ही फजूल बंदे के साथ उसने मिलके प्लान बनाया, मतलब कि उसको पहले से पता है नोमी कैसा है, उसने मेरे साथ क्या किया, ऊपर से उसको झूठी मोहब्बत के दावे करी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ जबकि उससे इसने शादीशुदी कोई करनी है नहीं. तो उसको पता नहीं चलेगा कि जब तुम उससे शादी नहीं करोगी या जब तुम दूसरे के साथ शादी करोगी, जाहिर सी बात है. तो ये स्टूपिडिटी जो हमारी साहिबा की थी वो अब सामने आ चुकी है, और जो साहिबा है हमारी वो फिर भी बड़े मजे से चिल उसको कह रही वी कैन बी फ्रेंड्स ना, मुझे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इंतजाम में. तो जब तुम शादी करोगी बहन, उसको पता नहीं चलेगा, ये वाली बात. अब उसके बाद जी जो नोमी है हमारे, अब मिल के प्लान बनाया भी तो किसके साथ, नोमी के साथ, वो भी कैसा नोमी, मतलब यू डोंट नो मी बट यू नो मी बिकॉज आई एम नोमी. इतना फजूल डायलॉग, मतलब नोमी पहले ही अच्छा खासा फजूल है, अच्छा खासा ओवर है. तो बेटे नोमी आपने ऐसे नहीं करना, पहले ही बहुत ओवर लग रहे हैं, तो ये तो ज़रा इस तरह की हरकतें छोड़ दें. अब जो हमारी कोमल अजीज़ हैं, अब यहाँ पे नोमी की ये सिचुएशन है, फिर भी इर्तिज़ा के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं, जबकि साफ पता चल रहा है कि इर्तिज़ा को हासिल करने वाला वो जो प्लान था वो बिल्कुल फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है. फिर भी टीज़र में देखें उसको कह रही है कि बड़े प्यार से ना मैं तुम्हें इतना प्यार दूँगी, आंखें भी ऐसे करती, मतलब बहुत बुरी एक्टिंग करी है, रियली सॉरी बट आपको एक्टिंग सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये ड्रामा तो आपने कर लिया, खैर कर लिया, बस अल्लाह के सहारे हैं आप, लेकिन नेक्स्ट जो भी आपने ड्रामा करना है प्लीज़ उससे पहले थोड़ी एक्टिंग सीख लीजिएगा. ये जो ये आंखें ऐसी होती है ना, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी, तुम सब भूल जाओगे, बहुत ही फजूल था, मतलब ऐसे नहीं करना आपने, थोड़ी सी एक्टिंग सीखनी है, ठीक है ओके. अब नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारी दुल्हन थी, जो मुश्क थी. अब वो बेचारी एक तो पहले जिससे प्यार करती थी उससे उसकी शादी हुई नहीं, हो भी गई तो किससे, जिससे वो नफरत करती हैं, ऊपर से फिर उसके दो बच्चे भी हैं मेंटली जो है वो एबनॉर्मल, एक उसकी बहन भी है अच्छी खासी बड़ी है जिसको संभालना कोई आसान काम नहीं है, वो पहले ही बेचारी दिमागी तौर पर इतनी परेशान है, ऊपर से शादी वाले जोड़े में वो बैठी है तैयार शार होकर दुल्हन बन के, बड़ी खूबसूरत लग रही, बड़ी क्यूट सी, और जो ये हमसाई आई है वो उसको आके क्या कह रही है, अपनी जिम्मेदारियाँ संभालो, ये लो घर की चाबियाँ, बाद में तुम्हें दे नहीं सकती थी ना, उसने कहा मैं नहीं स्टेज पे इसको दूँ उसी दुल्हन वाले गेटअप में, इसको फौरन से पहले मैं चाबियाँ पकड़ा के खुद पीछे हो जाऊँ, और उसको कह रही है कि जिम्मेदारियाँ संभालो. जिम्मेदारियाँ भी भला क्या, सुने बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना और सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, ये मतलब ये नई दुल्हन आई है आपके घर में या फिर ये कोई मेड आई है जिसको आप काम समझा रही हैं कि देखो आपने ना इस तरह करना है, पहले ये करना फिर वो करना, ये क्या था. वो बेचारी पहले इतनी परेशान है, ऊपर से वो दुल्हन बन गई. मैंने कभी नहीं देखा, बहुत सारी शादियां ज़िंदगी में अटेंड की हैं, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि दुल्हन अभी स्टेज पे ही बैठी हुई आके उसको पहले बोल दो ये लो ये तुम्हारी जिम्मेदारियां, ये लो ये तुम्हारी चाबी, और चलो भाई तुम काम पे लग जाओ. ऐसे थोड़ी होता है, एक दिन तो रुक जाती ना आप. खैर ये अब चल रहा है बेचारी मुश्क की ज़िंदगी इतनी बहुत ही ज़्यादा बुरी, मतलब ऊपर से उसके अब्बा की भी डेथ हो गई. तो ये तो हमारे ड्रामाज में आजकल बहुत हो रहा है कि दुल्हन जो होती है ना हमारी, या जो हमारी हीरोइन होती है उसके ऊपर एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक नहीं, एक साथ ये भी हो जाएगा, फिर ऊपर से इसकी डेथ भी हो गई, फिर ऊपर से वो घर से भी निकल गई, ये सब कुछ इकट्ठे करना है. अब हम आते हैं हमारे बोंगी मोमेंट ऑफ द एपिसोड में. तो इसमें जो हमारी बोंगी थी वो मुझे लगता है ये थी कि जो हमारे इर्तिज़ा के अम्मा अब्बा हैं उन्होंने बोंगी मारी है. भला कैसे, अब देखिए जी वो आई आंटी ना, वो इर्तिज़ा को बोल रही हैं कि हम वहाँ पे गए थे साहिबा के घर, तो उन्होंने रिश्ते की दोबारा से बात की, जिस पर अंकल बड़े स्टाइल से बड़े कॉन्फिडेंस से उसको कहते हैं ये बात बेहतर तरीके से भी की जा सकती, और बेहतर तरीका भला क्या,
इमोशनल ब्लैकमेल करना और ऊपर जी प्रेशर डालना उसके ऊपर, उसको बेचारे को लाइक पूछना या बताना नहीं, सीधा जलील करना कि तुमने करनी ही करनी है यहाँ शादी, शादी तुमने करनी है पर पसंद मेरी होनी चाहिए। सीरियसली अंकल, आपकी पसंद यहाँ मैटर नहीं करती, आपने अपनी पसंद बहुत पहले कर ली है, वो आपके साथ बैठी हुई है, ठीक है ना, अब उसकी पसंद है उसको करने दे। अब अंकल ने जब आंटी को बोला कि इसको बेहतर तरीके से भी बोला जा सकता है, इसमें अंकल की जो दिल की आवाज़ थी वो ये थी कि इसको इस तरह नहीं बोलना, हमने उसके ऊपर प्रेशर डालना है, हमने इमोशनल ब्लैकमेल करना है, हमने उसको जलील करना है, तुम ये नहीं कहना, मैं बोलता हूँ, और बोला भी आगे तो क्या बोला। जिसके बाद अब ये तो हमारी जो बोंगी है ना, ये रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा होती है, ड्रामे की बोंगी तो हो गई होगी, हमारी रियल लाइफ में मुझे समझ नहीं आती ये क्या आइडियोलॉजी है दो चीज़ों की, कि एक अगर बारात नहीं आई तो फौरन करनी ही करनी है शादी, कि भाई लड़की अब वो मर थोड़ी जाएगी अगर उसकी वहाँ शादी नहीं होगी, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कभी भी शादी हो सकती है, आप कोई भी बहाना बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं उसी वक्त ही करनी है शादी, कि भाई क्या मतलब पार्लर के ज़्यादा पैसे लग जाएंगे तो दोबारा दुल्हन बनेगी तो दोबारा तैयार करवाना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ, लहंगा रिपीट हो सकता है, और जहाँ तक मेकअप की बात है कोई मसला नहीं, एक दफ़ा दोबारा करवा लीजिएगा, अच्छे से करवा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, तो ज़रूरी नहीं आपने उसी वक्त उसकी शादी करनी, बाद में भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये कि जब किसी का दिल टूट जाए, ब्रेकअप हो जाए, शादी ना हो, तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भाई फौरन से उसकी ज़िंदगी में दूसरा लड़का या लड़की आ ही जाना चाहिए क्योंकि उसका दिल टूट गया। चाहिए ये अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया तो आप उसको प्रॉपर टाइम दें, वो अपने आप को हील कर ले, वो अपना जो उसका दिमाग बड़ा ख़राब हुआ हुआ होता है उस टाइम, वो उसको सही जगह पे ले आए, अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर ले और फिर डिसाइड करे कि उसको लाइफ में अब कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। ये जो एक बनी हुई है ना ये चीज़ जो ड्रामाज में भी और रियल लाइफ में भी, कि भाई अगर दिल टूटा आप फ़ौरन से उसकी दूसरी जगह शादी कर दो, वो कैसे उस शादी, वो शादी उसके लिए टॉर्चर होगी। जैसे कि हमारे हीरो ने भी उनको डायरेक्टली बोल दिया अपने अम्मा अबा को कि ये जो है ठीक है, आप कह रहे हैं मैं यहाँ शादी कर लूँ, मैं कर लूँगा, लेकिन ये मेरे लिए खुदकुशी है। डायरेक्टली बोल दिया लड़के ने कि भाई यहाँ शादी करना मेरे लिए खुदकुशी के बराबर है, लेकिन अंकल फिर भी बड़े खुश, आंटी फिर भी बड़ी खुश, उधर से डायलॉग मारे थे कि भाई हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे पेरेंट्स से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम हमें सपोर्ट करोगे इन दिस एंड दैट, और उस बेचारे को इस तरह से आप मतलब कि क्या था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तीन चीज़ें इस ड्रामे से आपने सीखनी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ कि अपने बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा आपने सख्ती नहीं करनी, वो बागी हो जाएंगे। दूसरी बात कि आपने दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाने हैं, सिर्फ हल्ला गुल्ला जिनके साथ आप कर सको, बाहर घूम सको, ऐश कर सको, हंसी मजाक हो, आप जिनके साथ बैठ के आप बहुत ज़्यादा हंस रहे हो वो आपके दोस्त नहीं होते, जिनके साथ बैठ के आप रो कर अपनी कोई चीज़ शेयर कर सको वो आपके दोस्त होते हैं। तो आपने साहिबा जैसे दोस्तों से ज़रा दूर रहना है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अपने बच्चों पर शादी को लेकर ज़बरदस्ती मत करें, आप दो भी नहीं चार चार ज़िंदगियां बर्बाद कर देंगे, आप ख़ुद भी बहुत जलील हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने, ये तीन चीज़ें हैं जो आपने इस ड्रामा से सीखनी है और अपनी लाइफ में नहीं करनी। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ पर होती है ख़त्म। तो अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया था तो मैं दूसरा मौका आपको दे रही हूँ, मैं मौके इतने देती नहीं, ऊपर देख लें, आपको दो मौके दे रही हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।